आप सभी का उमंग मैथ अकेडमी बाय सुनीस के चैनल पर वेलकम है। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम। हमने इससे पहले बहुत से वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर का अपलोड कर दिया है, ट्रिक की जो लोग नहीं देखे जाके देखिए, बेहतरीन ट्रिक आपको मिलेगी सफल होने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है, ये भी आपका क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 का है, 21 का है। लिखा कि इफ जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस एंड आपका आर्गुमेंट लिखा है थीटा आपका दिया है, यहाँ पर आपका लिखा है देन आर्गुमेंट ये आपका दिया 1+z अपान में लिखा 1+z bar लिखा है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। गिवन आपका दिया है, आर्गुमेंट जो आपका दिया है जेड बराबर आपका थीटा दिया है, तो देखिए यहाँ पर जो बार है आपका जेड बार, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुटिंग करिए जेड बार इक्वल टू 1/z, क्या है 1/z। ये क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व हो सकता है अगर आप दिमाग लगाएंगे तो। अगर देखिए ये जो नियम है अगर आप लगाएंगे तो ये क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या है आपका है, यहाँ पर रख दीजिए, ये आपका हो गया, यहाँ पर आपका 1+z हो गया, यहाँ जो बार है आपका है इसे 1/z कर दीजिए, 1/z कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपका ये एग्रीमेंट हो गया, यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ जब करेंगे तो यहाँ आपका जेड हो जाएगा, जो ये आपका जेड है इसमें मल्टीप्लाई होके ये आपका बचेगा 1+z और नीचे जो आपका बचेगा 1+z, इससे देखिए आपका एक कैंसिल हो, क्या बचा आपका यहाँ पर, ये आपका आर्गुमेंट हो गया, ये आपका हो गया जेड। तो इसके इक्वल टू कितना आपका यहाँ पर है थीटा है, बस तुरंत आंसर आपको मिल गया। इसमें देखिए ऑप्शन जो आपका है थर्ड वाला आपका सही है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए आपका लिखा कि इफ ये मार में आपका जेड लिखा इक्वल टू 1 एंड यहाँ पर थीटा इक्वल टू लिखा आर्गुमेंट आपका जेड लिखा है। अब यहाँ पर दिया है कि 1+z अपान में आपका 1+z bar की पावर, पूरे होल की पावर आपका यन दिया है, प्लस यहाँ लिखा है, वहाँ पर लिखा 1+z bar लिखा आपका है, अपान में 1+z इसकी दी हुई पावर होल की पावर यन दी है, कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। पहले जो आपका इसे सॉल्व करिए, इसे जब सॉल्व करेंगे सेम ये वही चीज़ रखिए, यहाँ पुट कर दीजिए, पुटिंग जो आप करेंगे क्या करेंगे, यहाँ पुटिंग करेंगे z बार इक्वल टू 1/z यहाँ पर पुट करेंगे। जब यहाँ पर आप पुट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपका क्या बचेगा, ये देख लीजिए यहाँ पर इक्वल करिए, ये हो जाएगा 1+z, नीचे आपका इस तरह हो जाएगा, जेड के बार की जगह स्थान पर क्या रखना है 1/z रखना है, ये आपका इसकी पावर यन दी गई है। अब यहाँ पर देखिए सेम उसी तरह यहाँ पर जो बार ऊपर यहाँ पर है ये आपका है और नीचे जो आपका है 1+z है और इसकी होल की पावर ये आपकी है। जब इसे सॉल्व आप करेंगे, अभी पीछे हम सॉल्व किए थे, ये आपका बच जाएगा जेड की पावर, देख लीजिए जेड की पावर यन और ये 1/z की पावर यन ये आपका है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जेड बराबर हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर देखिए जेड लेट यहाँ पर जेड इक्वल टू कास थीटा, देखिए कास थीटा प्लस साइन थीटा ये है। अगर इसका बार आप लेंगे, इसका मार लेंगे, इसका क्या अगर मार ले रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसके 1 के बराबर हो जाएगा। अगर इसका मार आप लेते हैं तो आपका जेड बार इक्वल टू 1 ये आपका जो दिया कंडीशन इसमें आपको ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जेड बराबर तो ये हो गया, 1/z बराबर आप क्या मान लेंगे, ये कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब यहाँ पर आप रख देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, जो आपका यहाँ पर जब रूल लगता है ये देखिए आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ये जो आपका है यह, और यहाँ पर जो आपका यहाँ माइनस वाला हो जाएगा 1/z वाला है, यहाँ देखिए इसकी पावर यन है, यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा आपका, और इसकी पावर देखिए आपका क्या है ये भी यन है। अब देखिए जो नियम होता है आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर का, डी आर थ्योरम का,
तो यहाँ पर हम यूज करेंगे, ये हो जाएगा आपका कॉस एन थीटा और ये हो जाएगा आई 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 के उल्टा पढ़ा जाता है लेकिन सिर्फ हम यहाँ आई पढ़ रहे हैं, ये आपका हो जाएगा साइन एन थीटा। अब यहाँ पर हो जाएगा कॉस एन कॉस थीटा कॉस एन कॉस थीटा कॉस एन थीटा और ये हो जाएगा आपका माइनस आई साइन एन थीटा। इससे देखिए आपका ये कैंसिल हो गया। क्या बचा देखिए आपका, बचेगा आपका देखिए ये आपका दोनों सेम सेम है आपका टू कॉस एन थीटा एन थीटा। अब यहाँ पर आप रख दीजिए इसकी वैल्यू जो थीटा की ये दी गई है आपकी है, यहाँ पर आप रख दीजिए ये आपका हो जाएगा देखिए यहाँ पर इक्वल करिए ये हो जाएगा टू कॉस ये आपका एन यहाँ पर अग्रीमेंट जो आपका दिया है यहाँ पर ये रख दीजिए आपका देखिए ऑप्शन देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। इससे इजी तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन हमने देखा है इसी टाइप के, जो पीछे 21 वाला हम पूछा था सेम उसी टाइप का है, तो हमने कहा कि हो सकता कि ये भी आ सकता है, तो हमने इसको आज बता दिया आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका ये आपका दिया है लिखा कि द आर्गुमेंट आप लिखा है आपका आर्गुमेंट ये आपका लिखा ऑफ यहाँ लिखा है माइनस देखिए माइनस वन माइनस आई रूट में थ्री लिखा है और अपान में लिखा वन प्लस आई रूट में आपका थ्री लिखा है। इसका कह रहा है हमें वैल्यू बताने के लिए। ये आपका क्वेश्चन यूपी टीटी 2010 का है। ये देखिए नियम तो आपको पता होगा ए प्लस आई बी इसका जो थीटा हम निकालते हैं आपका टेन इनवर्स बी अपान ए होता है, ये आपका होता है, ये रूल आपको मालूम होना चाहिए। सेम वही तो यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ हमने क्या किया यहाँ पर हमने इक्वल लिखा यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका देखिए ये हो जाएगा टेन इनवर्स ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस आपका है तो आपका ये हो जाएगा और अपान में देखिए आपका टेन इनवर्स ये आपका हो जाएगा। ये अपान वन है यहाँ पर लेकिन सिर्फ यही रहेगा, वन से कोई किसी भी संख्या से आप डिवाइड करेंगे तो सेम वही आ जाएगा। अब इसका फार्मूला आप लगाइए देखा यहाँ पर इसका जो रूल होता है यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा आपका इस तरह हो जाएगा टेन इनवर्स रूट में थ्री ये भी आपका ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप रख दीजिए इसकी जब वैल्यू आप रखेंगे तो आपका हो जाएगा ये देखिए बाहर हो जाता है इसमें टेन वाले में और ये हो जाएगा वन अपान ये देखिए आपका माइनस वन अपान थ्री हो जाएगा ये भी आपका वन अपान थ्री हो जाएगा। अब यहाँ पर एक रूल होता है यहाँ अगर ये ऊपर हम ले जाते हैं तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस वन अपान थ्री ये भी आपका माइनस वन अपान थ्री ये देखिए आपका ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस टू पाई अपान थ्री आ जाएगा। इससे हम क्या लिख सकते हैं माइनस वन ट्वेंटी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वन ट्वेंटी और इसमें ऑप्शन में आपका कोई वन वन ट्वेंटी नहीं दिया है, कोई वन ट्वेंटी आपका नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर एक आपका रूल होता है ये देखिए आपका क्या करेंगे यहाँ पर जो आपका ये दिया है यहाँ करिए 360 करिए यानी 360 माइनस देखिए यहाँ पर आपका ये होता है इसमें आप रख देंगे तो आपका मिल जाएगा, इसमें रखेंगे तो आपका हो जाएगा 360 माइनस 120 यहाँ जब आप रखेंगे यहाँ पे कि आपका प्लस होता है जब यहाँ माइनस थीटा की वैल्यू आपकी दी गई है तो आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसमें आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 240 आ जाएगा यानी 240 डिग्री हो जाएगी, यही आपका आंसर होगा। इसमें देखिए ऑप्शन जो आपका है ये थर्ड वाला आपका सही है। तो अगर हमारी वीडियो से आज कुछ नया सीखे होंगे तो लाइक जरूर करिए। हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत से वीडियो अपलोड हो चुकी, जाके देखिए बेहतरीन ट्रिक आपको मिलेगी। अगर चैनल पर नए हैं मेरे चैनल से जुड़िए आपको बेहतरीन ट्रिक हम देंगे। हमारी और से वीडियो आप देख लीजिए फिर इसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर फुल वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।